तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय और आज मैं बात करने वाला हूँ बलात्कार यानी रेप के बारे में। तो बलात्कार क्या है? एक स्त्री के प्रति किसी पुरुष का जबरन शारीरिक अत्याचार या इससे भी कहीं ज्यादा कुछ ऐसा जिस पर देर तक और दूर तक सोचने की जरूरत है। हमारे लिए ना ये शब्द नया है और ना ही ये न्यूज। बस हर बार विक्टिम नहीं होती है और पशुता की सीमा पार करने वाले पुरुष नए होते हैं। जिस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी नारे लगाए जाते हैं इलेक्शन के वक्त, उसी देश में गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार हर 15 मिनट में एक रेप की घटना रजिस्टर होती है। द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो देश में हुए क्राइम का डेटा प्रोवाइड करती है। तो NCRB के मुताबिक 2017 में 32,500 रेप केस रजिस्टर हुए थे पूरे भारत में, मतलब हर दिन 90 रेप केस रजिस्टर हुए। और हकीकत में ये नंबर इससे कई ज्यादा है, क्योंकि 99% केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं, और वो भी बस हमारे समाज के वजह से। क्योंकि रेप विक्टिम लड़की को लोग सारी जिंदगी इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो गुनहगार है, और लड़का कुछ साल की सजा काटने के बाद ऐसे घूमता है जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं। और इन्हीं सब वजह से भारत वर्ल्ड्स डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन की लिस्ट पे नंबर 1 पे है। अगर बात करें भारत में रेप को लेकर कानून की, तो 1860 में पहली बार रेप को अपराध के रूप में इंडियन पिनल कोड में पेश किया गया, और 15 महीने बाद 1 जनवरी 1862 से रेप के खिलाफ कानून लागू हुआ है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375 के तहत बोला गया है कि किसी भी आदमी के द्वारा किसी औरत के मर्जी के बिना किया गया सेक्स पनिशेबल एक्ट है। और ये कानून बिना कोई बदलाव के 100 साल तक चला, जब तक मथुरा कस्टोडियल रेप केस नहीं हुआ था। 26 मार्च 1972 को मथुरा नाम की आदिवासी लड़की के साथ महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों ने बलात्कार किया था, और यह केस 6 साल तक चला। 1978 में कोर्ट ने दोनों पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया और बोला कि घटना के बाद लड़की पर चोट के कोई निशान नहीं पाए गए, इससे ये साबित होता है कि सेक्स हुआ था लेकिन रेप नहीं। कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश में रेप के कानून में बदलाव की मांग करते हुए विरोध हुए। उसके बाद 1983 में द क्रिमिनल एक्ट में बदलाव किए गए और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में न्यू सेक्शन 114A डाला गया, जिसमें बोला गया कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी के साथ रेप हुआ है तो वो विक्टिम अगर कोर्ट में बोलती है कि उसके बिना मर्जी के सेक्स हुआ है, तब कोर्ट कोई सबूत ना होने के बाद भी ये स्वीकार करेगी कि सेक्स विक्टिम के बिना मर्जी से हुआ है। और इसी के साथ इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 228 को भी ऐड किया, जिसमें बोला गया कि किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी का खुलासा करना भी पनिशेबल है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि न्यूज में रेप विक्टिम का असली नाम नहीं दिखाया जाता है। और फिर 16 दिसंबर 2012 में निर्भया रेप कांड हुआ दिल्ली में, उसके बाद लोगों में फिर मांग उठी रेप के कानून में बदलाव करने की। फिर 2013 में द क्रिमिनल एक्ट में बदलाव किया गया और रेप के केस में सजा को बढ़ा दिया गया। जहां पहले रेप के लिए मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम उम्र कैद की सजा थी, उसे बदलकर मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम उम्र कैद की सजा कर दिया गया। उसके बाद जनवरी 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जिसके बाद द क्रिमिनल एक्ट में वापस एक बार बदलाव किया गया और बोला गया कि 12 साल की कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए मिनिमम सजा 20 साल है और मैक्सिमम फांसी की सजा है। तो जहां तक बात करें कानून की, तो कानून कमजोर नहीं है, कमजोर है प्रशासन और पुलिस की सोच और उनकी समस्या से लड़ने की इच्छा शक्ति। क्योंकि पुलिस की लाठी गरीबों पे जितना जुल्म ढाती है, अमीरों के लिए वही लाठी सहारा बन जाती है। और अगर बात करें रेप के प्रमुख कारणों के बारे में, तो सबसे पहला है नशा। 85% रेप नशे की वजह से ही होता है। हमारे देश में नशा ऐसे बिक रहा है जैसे मंदिरों में प्रसाद। आपको हर 1 किलोमीटर पे मंदिर या स्कूल मिले ना मिले, लेकिन शराब की दुकान जरूर दिख जाएगी। और दूसरा कारण है पुरुषों की मानसिक दुर्बलता। महिलाओं के शरीर को लेकर बने सस्ते जोक से लेकर चौराहों पर होने वाली छिछोरी गपशप तक, और इंटरनेट पे परोसे जाने वाले घटिया फोटो से लेकर बेहुदा कमेंट तक अधिकतर पुरुषों की मानसिकता को दुर्बल कर देती है, और यही मानसिकता रेप का कारण बनते हैं। और तीसरा कारण है हमारा समाज, जहां लड़कियों को कमजोर समझा जाता है और लड़कियों की परवरिश इस तरह से होती है कि लड़कियां खुद को कमजोर और डरपोक बनाते चल जाती हैं। और चौथा कारण है मवालियों का अड्डा। गांव के सुनसान खंडहर और शहरों में लोगों की चहल पहल से दूर बने फार्म हाउस, जहां कभी कोई पुलिस नजर नहीं रखती है, अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित और अकेली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह यही होती है। बलात्कार के 60% मामले ऐसे ही जगहों पे हुए हैं। और मेरा मानना है कि कानून कड़े करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुछ करना है तो जिस तरह से इजराइल में हर नागरिक को आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है,
उसी तरह से भारत में भी ये कंपलसरी कर देना चाहिए। फिर लड़कियों को कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो खुद को प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो जाएंगी। और हाँ, बलात्कारी को धर्म मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बलात्कारी कोई भी और कहीं भी हो सकता है। तो बस जरूरत है कि अपने घर की बहू और बेटियों को इतना समझदार बनाएं कि वो इनका सामना कर सके। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा, धन्यवाद।